गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ना 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। सो हम लोग हमारी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के लास्ट पार्ट पर हैं, जहाँ पर हम लोग इसमें जहाँ अभी तक जो साइकिल्स थर्मोडायनामिक सर्किल पढ़ रहे थे, उन थर्मोडायनामिक सर्किल्स के और डिफर पार्ट्स को हम लोग आगे स्टडी करना है। अभी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा कि है ना, बेसिक साइकिल कौन सा है हमारे पास में, रैंकाइन साइकिल है। इस रैंकाइन साइकिल को हमने फिर मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके हम लोगों ने यूज करा किसका, रीजनरेशन का। सो अब ये जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी, दैट इज द यूनिट नंबर 5। ये यूनिट नंबर 5 यहाँ पर प्रोसीड करनी है। हाँ बच्चे, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सो ये यूनिट नंबर 5 हमको जहाँ प्रोसीड करनी है, इस यूनिट नंबर 5 का जो बेसिक पार्ट है वो देखो क्या क्या कंटेंट हम लोगों को स्टडी करने हैं। इसके बेसिक कंटेंट्स के अंदर ना, वी हैव टू स्टडी अबाउट द रीहीट साइकिल। ओके, ठीक है, हम लोगों को स्टडी करना है एक तो रीहीट साइकिल को। वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रैक्टिकल रीहीट साइकिल, एज वी ऑलरेडी नो कि है ना, हमारे पास कुछ भी हमारा आइडियल नहीं होता है। सो जो एक्चुअल रीहीट साइकिल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल रीहीट साइकिल कहते हैं। इस एक्चुअल रीहीट साइकिल के साथ साथ में हमको फिर क्या करना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रीहीट साइकिल को स्टडी करना है। फिर अभी रैंकाइन था, फिर रीहीट है, फिर हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन का क्रिएट कर दिया है किसका, रीहीट एंड रीजनरेशन का। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द रीहीट एंड द रीजनरेशन साइकिल। सो दैट्स कॉल्ड द आइडियल रीहीट रीजनरेशन साइकिल। अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द फ्रिक्शन और लॉसेस इट विल कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल साइकिल। सो वी विल स्टडी अबाउट द एक्चुअल साइकिल इन द नेक्स्ट वन। देन वी हैव अनदर साइकिल, दैट इज, अब जो आ रहे हैं ना सब अलग अलग साइकिल्स आते लग जाएंगे ना। दैट इज अ रीजनरेटिव वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल। नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस हीट एंड द बाई प्रोडक्ट पावर साइकिल, जहाँ पर हम ना डबल वर्किंग करते हैं, चाहे इसके लिए हम लोग ना किसी अलग अलग टर्बाइन का यूज करते हैं, लाइक बैक प्रेशर टर्बाइन, पास आउट टर्बाइन, एग्जॉस्ट टर्बाइन। एक साइकिल जो हम लोग मरकरी का यूज करके चलाते हैं वो, उसको हम बोलते हैं बाइनरी वेपर साइकिल। एंड वी आर एंडिंग विद द कंडेंसर। ओके, और इसके अलावा हमारे पास भी क्या आता है, कंडेंसर का क्लासिफिकेशन आता है। काफी सारे ना थ्योरेटिकली क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसके ऊपर कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडेंसर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक जेट कंडेंसर होता है, बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर होता है, इजेक्टर कंडेंसर होता है, सर्फेस कंडेंसर होता है। इनको आगे चल के हमको क्या करना है, डिटेल स्टडी करना है। और साथ के साथ ये ध्यान रखना है, इन सभी के साथ साथ में हम लोग क्या करके चलेंगे, इन सभी के साथ साथ में हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी कंसिडर उतना ही करके चलेंगे जितना हमारे पास में फोर्थ यूनिट और सेकेंड यूनिट के अंदर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को एच एस डायग्राम ड्रॉ करना है, और आफ्टर दैट एच एस डायग्राम हम किस पर फोकस करेंगे, उस एच एस डायग्राम के बाद में हम लोग मॉयलर चार्ट और स्टीम टेबल पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीहीट साइकिल से। सो हियर इज द रीहीट साइकिल। देखो रीहीटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्टीम टर्बाइन के अंदर एंटर हो चुकी है, तो एंटर होने के बाद में एक स्टेज होगा जहां पर वो किस में आ जाती है, वो वेट कंडीशन में आने लगती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम स्टीम को वापस से हीट प्रोवाइड करवाते हैं। दिस हीट कैन बी अ एडिशनल, ये हीट कैसी हो सकती है, कोई एडिशनल हीट हो सकती है। मतलब अभी तक हम लोग जो हीट इनपुट कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, सिर्फ बॉयलर के अंदर। बट इन द रीहीट साइकिल हमारे पास जो हीट का एडिशन है वो बॉयलर के साथ साथ में कहाँ पर भी होना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे रीहीटर के अंदर भी स्टार्ट होना हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ रीहीटिंग द साइकिल इज टू रिमूव द मॉइस्चर कैरीड बाय द स्टीम टू द फाइनल स्टेजेस ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस। लाइक हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था, एक एच एस डायग्राम क्रिएट किया यहाँ पर। इस एच एस डायग्राम के अंदर हमने ये बताया कि जब हम लोगों ने इसको ड्रॉप करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर ये क्या बनती जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। तो एट दैट लिक्विड स्टेज हमारी जो टर्बाइन होती है, जो कि किस पर बनी होती है, काफी एक्सपेंसिव मटेरियल की बनी होती है, बिकॉज ऑफ कि ये इरोजन एंड कोरोजन से दूर है। ठीक है, क्यों, जिससे ये क्या रहे, इरोजन एंड क्रोजन से दूर है। तो उस हैवियर मटेरियल पे या फिर उस एक्सपेंसिव मटेरियल के ऊपर ये मॉइस्चर क्रिएट ना हो, ठीक
ठीक है, उस मॉइस्चर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्टीम को वापस से क्या कर देते हैं, रीहीट कर देते हैं। और आफ्टर दैट रीहीटिंग ये स्टीम क्या होती है, हमारे पास में एक स्टेज जनरेट करके देती है जहाँ पर ये वापस सुपर हीट में चली जाती है। और ये रीहीटिंग जो होती है, ध्यान रखना, ये रीहीटिंग हम लोग मोस्टली किस पे करते हैं, एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। रीहीटिंग शुड बी डन एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, सो जब हम इसको रीहीट कर देते हैं उसके बाद से इसको वापस से कहाँ एंटर करवाते हैं, बॉयलर के बाद एंटर करवाते हैं, और सेकंड लोअर प्रेशर टरबाइन के पास में हम उसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं, जिसके थ्रू इसका यूज हम लोग क्या कर सकें, एक बैटर वे के अंदर यूज कर सकें। ठीक है, समझते हैं इसको कुछ साइकिल्स के थ्रू। देखो ये यहाँ पर आपके सामने ना साइकिल बना के समझाया हुआ है कि हमारे पास जब एयर आ रही है तो एयर आने के बाद में हमारे पास में दो टाइप की टरबाइन है, एक हाई प्रेशर टरबाइन है, एक लो प्रेशर टरबाइन है। हाई प्रेशर टरबाइन से लो प्रेशर टरबाइन के बीच भेजने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा दिया है, एक रीहीटर लगा दिया, जिसको हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस एक्सटर्नल हीट से अगर कोई टरबाइन, जैसे इसका एच एस डायग्राम की अगर बात करूँ तो एच एस डायग्राम कैसे बनता है, मान लो ये स्टेज नंबर वन थी, इसको नीचे वाले डायग्राम से समझो। देखो यहाँ पर साइकिल को समझते हैं, ये बॉयलर था हमारे पास में, बॉयलर से हमारे पास हीट जनरेट हुई, ये हीट जनरेटेड स्टीम जो है, ये जो हीट जनरेट हुई है ये कहाँ पर गई, टर्बाइन पे गई। लेट सपोज किसी स्टेज वन के अंदर ये टर्बाइन के अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है, फिर वन से लेकर किसी पोजीशन ए तक हमारी स्टीम क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है, मतलब उसने अपनी एनर्जी का लॉस किया है और प्रेशर ड्रॉप हुआ है। तो प्रेशर ड्रॉप होके वो किस कंडीशन में चली गई, लोअर इंथैल्पी के अंदर। दैट कैन बी पॉसिबल कि ये लोअर कंडीशंस जो हैं वो कैसी होगी, वेट होगी। तो उस कंडीशन पे हमने क्या करा, कंप्लीटली स्टीम को टर्बाइन से एक्सट्रैक्ट किया। पोजीशन ए पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमने कहाँ भेज दिया, इसको रीहीटर के पास में भेज दिया। रीहीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करेगी, या तो हमारे बॉयलर्स में जनरेट होने वाली एनर्जी से, या फिर हम लोग एक्सटर्नली क्या करेंगे, इसके लिए एक कम्बशन चैम्बर क्रिएट करते हैं, उस कम्बशन चैम्बर से हीट जनरेट करती है और कंप्लीट जो हमारी स्टीम थी उस स्टीम को वापस किस कंडीशन में लेके आती है, सुपर हीटेड कंडीशन में लेके आती है। एंड इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस से हमारी लो प्रेशर स्टेज के अंदर एंटर करवा देते हैं। और लो प्रेशर स्टेज के अंदर एंटर होने के बाद में अगेन पोजीशन नंबर थ्री से लेके पोजीशन नंबर फोर तक हमारी स्टीम ने क्या करा, वर्क डन किया, और फोर के बाद रेस्ट प्रोसेस इज सेम। अगर रैंकाइन से इसको मैं कंपेयर करूँ तो रैंकाइन और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, देखो रैंकाइन के अंदर क्या था हमारे पास है कि यहाँ पर बॉयलर था, बॉयलर से हीट आई टर्बाइन में गई, टर्बाइन से हमने बाहर निकाल दी, दिस इज द रैंकाइन साइकिल। ठीक है, दिस इज द रैंकाइन साइकिल। अगर मैं बात करूं किसकी, रीजनरेटिव साइकिल की, तो रीजनरेटिव साइकिल में क्या किया गया था, यहाँ पर बॉयलर, बॉयलर से हीट निकली, टरबाइन के अंदर एंटर करी, किसी पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करके कहाँ भेज दिया, टरबाइन फिर हीटर के पास में। बची हुई स्टीम कहाँ गई, कंडेंसर के पास गई, यहाँ पर हम लोगों ने इनडायरेक्ट टाइप लगा दिया इसको मिक्स करके यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रीजनरेटिव के अंदर हमने स्टीम का यूज किया फीड वाटर को हीट करने के लिए, जबकि ये जो हमारा रीहीट साइकिल है, इस रीहीट साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, जो स्टीम है उस स्टीम को ही हीट किया जा रहा है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट करी गई है, और यहाँ पर इस जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन स्टीम थी एट सर्टेन एंथैल्पी एंड प्रेशर, उसको वापस से क्या प्रोवाइड करी गई है, एनर्जी प्रोवाइड करी गई है। अगर इसके डायग्राम को देखें, अगर इसके एचएस डायग्राम की बात करें, तो ये देखो एचएस डायग्राम कैसे बनता है इसका। ऑन इट्स एचएस डायग्राम, लेट सपोज कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी कुछ P1 और इसका टेम्परेचर कितना था T1। ठीक है, सो पोजीशन नंबर वन से लेकर ए तक, ये हमारे पास पोजीशन नंबर वन, वन से लेकर ए तक हमारी स्टीम एक्सट्रैक्ट हुई, कहाँ तक, किसी प्रेशर PA तक। इस ए पर हम लोगों ने कंप्लीट स्टीम, लाइक कि 1 kg आई, तो इस कंप्लीट 1 kg स्टीम को हमने क्या किया, इस कंप्लीट 1 kg स्टीम को हमने क्या किया, यहाँ से वापस से हमने हीट प्रोवाइड करवा दिया एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ये हम आ गए कहाँ पर, इस पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर टू तक, जो कि यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, फिर टू पर ही ये क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एंटर हुआ 2 से 3 कर, तो ये पोजीशन नंबर 3 आ गई।
ओके और थ्री पर हम लोग वापस कहाँ भेज रहे हैं इसको, यहाँ पर इस टर्बाइन के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो थ्री से फोर तक अगेन हमारी टर्बाइन क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो वर्क डन करेगी तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन, अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और आइडियल कंडीशन है तो यहाँ पर कोई भी लॉस जनरेट नहीं होगा। और पोजिशन नंबर फोर तक हमारी स्टीम ने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। तो ए पे एंथैल्पी ज्यादा या थ्री पर एंथैल्पी ज्यादा? एंथैल्पी पोजीशन ए पर ज्यादा है या पोजीशन थ्री पे ज्यादा है? थ्री पे थ्री पे है ना। तो थ्री पे होने का मतलब क्या है, थ्री पे होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास स्टीम की जो वैल्यू है या फिर इसकी जो एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हमने क्या करी है, इंक्रीज कर दी गई है। तो बाय द यूजिंग ऑफ सम सुटेबल एनर्जी। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग अगर एनर्जी की बात कर रहे थे तो हम लोग इनपुट कहाँ दे रहे थे, सिर्फ बॉयलर के अंदर हीट का एडिशन कहाँ करवा रहे थे, ओनली इन द बॉयलर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीहीटिंग स्टीम साइकिल, सो ये जो प्रोसेस है ए से थ्री, ये जो प्रोसेस है ए से थ्री ये वाली, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो गया है, हीट का एडिशन हो गया है, क्यू एडिड हमने यहाँ पर भी कर दिया। बोलो क्लियर है मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ। जो मैंने आपके सामने से ना डायग्राम में रैंकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल एंड रीहीट साइकिल तीनों ड्रॉ करके इसको समझाने की कोशिश करिए कि कैसे तीनों आपस में इंटर रिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनका आपस में कैसे रिलेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर इसके टीएस एंड एचएस डायग्राम बता रखे हैं जो भी हम बात कर रहे थे, कि सबसे पहले अगर टीएस की बात करें तो चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर, ठीक है, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर, कि हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस से हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हीट जो है किस सेचुरेशन टेम्परेचर से लेके जाना है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिजायरेबल कंडीशन ऑफ द प्लांट, कि हमारे प्लांट की डिजायरेबल कंडीशंस क्या है। लाइक वन से टू तक हम लोगों ने क्या करवाया, यहाँ पर हीट थी, ठीक है, वर्क डन लिया। फिर टू से थ्री तक वापस क्या करवा दिया, हीट एडिशन करवा दिया। ध्यान रखना ये जो प्रोसेस हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है। अगेन मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये हीट एडिशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं। फिर थ्री से फोर तक वापस से वर्क डन किया, ये जो हैचेड लाइन है जिनको हैच किया हुआ है, ये बता रहे हैं कि एज कम्पेयर टू द रैंकाइन साइकिल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क डन हमको ऑप्ट हो रहा है किसके अंदर, इन द रीहीट साइकिल, ठीक है। बोथ टीएस एंड एचएस डायग्राम में जो हैचिंग करी हुई लाइन है ये यही शो कर रही है कि रैंकाइन के कंपैरिजन में इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हमको मिला हुआ है। ये तो क्लियर है ना कि जो भी हमारा टीएस एंड एचएस डायग्राम का है ना एरिया होता है वो किसको बताता है, उसके वर्क डन को क्लियर शो करता है। क्लियर? यस सर। सो ये कंप्लीट रीहीट साइकिल को शो किया हुआ है। सो हियर इज द हीट एडिशन की बात करें कि कितना हीट एडिशन हो रहा है। तो देखो हीट एडिशन को समझने के लिए हम लोग इसको वापस से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर क्या एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे। देखो समझना, हमने कहा कि ये टरबाइन है, यहाँ पर हमारे पास में एक बॉयलर लगा हुआ है, इस बॉयलर से हीट निकली किसी पॉइंट जीरो पर, अभी तक अपन जीरो बोलते आ रहे हैं तो जीरो ही बोलते हैं, जीरो पर एंटर करी। लेट सपोज कि ये स्टीम कितनी है, 1 kg ऑफ स्टीम है। फिर किसी पॉइंट वन तक ही क्या करी, इसने वर्क डन किया, उस पॉइंट वन पर हमने क्या करा, इसको कहाँ पर भेज दिया, एक रीहीटर के पास में भेज दिया। रीहीटर कैसा होता है, इज अ डिवाइस ऑफ, कैसी डिवाइस होती है, एक हीट एक्सचेंजर होता है, इट्स अ रीहीटर। और यहाँ से आने के बाद में पॉइंट वन से पॉइंट टू तक वापस पे एंटर गया और पॉइंट थ्री पे हमने कम्प्लीटली स्टीम को बाहर निकाला और इसको कहाँ भेज दिया, कंडेंसर के अंदर भेज दिया है, पंप लगा देते हैं, और कहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर बॉयलर के अंदर। तो दिस इज अ सिंपल रीहीट साइकिल, दिस इज अ सिंपल रीहीट साइकिल, ठीक है। एच एस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि इसका एच एस क्या था, कुछ इस टाइप से
सी इनिशियली हमारे पास कुछ में कुछ प्रेशर P1 था, यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, वर्क डन किया, फिर ये वर्क डन जो है ये एक्सटेंड हो गया, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 से 2, 2 से ये 0 पॉइंट, 0 से 1, 1 से यहाँ पर आ गए हम लोग किसी पॉइंट 2 पर, 2 से अगेन ये पॉइंट आया 3, ये कहाँ तक मिलेगा मुझे पॉइंट, ये मिलेगा मुझे किसी प्रेशर P3 तक। ओके सो अगर हम इसकी हीट एडिशन की बात करें, व्हाट इज द हीट एडिशन इन द साइकिल, इट्स अ एचएस डायग्राम, व्हाट इज द हीट एडिशन इन द साइकिल, अगेन यहाँ पर एनर्जी जो है ये 3 से आ रहा है, तो HF3, इसकी एनर्जी एंथैल्पी H0, H1, H2, H3, जस्ट थिंक एंड बताओ कि हीट एडिशन कहाँ हो रहा है। एक तो हीट का एडिशन हो रहा है किसके अंदर, बॉयलर के अंदर, दूसरा हीट का एडिशन कहाँ हो रहा है हमारे पास में, रीहीटर के अंदर, दो जगह हमारे पास में हीट क्या कर रही है, ऐड हो रही है, एक हो रही है बॉयलर में, दूसरी हीट का एडिशन कहाँ हो रहा है, रीहीटर के अंदर। बॉयलर के अंदर हीट एडिशन बताओ कितना लिखेंगे, सब जगह 1 kg 1 kg 1 kg है, तो देयर इज नो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम, M1 M2 M3 की कोई इक्वेशन नहीं है, एक सिंपल सा साइकिल आपके सामने है, यहाँ से है ना वैल्यूज बताओ, H0 माइनस HF3 ये किस में, बॉयलर में या रीहीटर में, बॉयलर बॉयलर के अंदर, तो बॉयलर में मैंने लिख दिया H0 माइनस HF3। दिनेश रीहीटर में कितना, H2 वेरी गुड, रीहीटर के अंदर कितना H2 माइनस H1, कि रीहीटर में जाने से पहले इंथेल्पी कितनी थी H1, रीहीटर से निकली तो उसकी इंथेल्पी कितनी हो गई H2, तो कितना गेन कर लिया इसने, H2 माइनस H1 का गेन कर लिया, कितना गेन कर लिया इसने, H2 माइनस H1 का गेन कर लिया, ठीक है, इतनी एनर्जी क्या हो गई हमारे पास में, गेन हो गई। अगर यहाँ पर हीट रिजेक्शन की बात करें तो हीट रिजेक्शन बताओ, व्हाट इज द हीट रिजेक्शन इन दिस साइकिल, बोलो कहाँ हो रही है हीट रिजेक्ट, सिर्फ कंडेंसर में हीट रिजेक्ट कहाँ हो रही है, सिर्फ कंडेंसर में, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, S3 माइनस HF3, सो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ यहाँ से, हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन, या फिर QA माइनस QR अपॉन QA, क्या फॉर्मूला होगा भाई, एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन कितना है, कितनी हीट ऐड करी माइनस कितनी हीट रिजेक्ट करी अपॉन में कितनी हीट ऐड करी थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अगर HS डायग्राम को देख के मुझे वर्क डन बाय टरबाइन निकालना हो तो उसकी इक्वेशन बताओ, HS डायग्राम से वर्क डन बाय टरबाइन की इक्वेशन क्या आएगी, लकी शशांक, बाय द HS डायग्राम व्हाट इज द हीट एडिशन इन द वर्क डन बाय द टर्बाइन, बोले बच्चे बोले, रूपांशु H0 माइनस H1 नहीं, इनटू H2 माइनस H1 सॉरी प्लस H2 माइनस H1, अच्छा, और और H2 माइनस H3 H2 माइनस H3, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं पहले लिखता हूँ ना,
एच नॉट माइनस एच वन प्लस एच टू माइनस एच वन प्लस एच टू माइनस एच थ्री, यही सब लोग एग्री हो या कुछ चेंज करना है? बोलो हिमांशु बोल। सर ये शायद एस टू माइनस एच वन नहीं आएगा। एस टू माइनस एच वन नहीं आएगा। प्रिया आपका कुछ कमेंट? सिद्धांत सर एच वन माइनस एच एफ। एच वन माइनस एच एफ विच एच एफ? एच एफ थ्री। इन द वर्क डन बाय टर्बाइन? नो। बच्चे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो तुमने एच एस डायग्राम बनाया ना, इस एच एस डायग्राम की जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स है ना, ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है? ये स्ट्रेट लाइन शो करती है वर्क डन बाय टर्बाइन को, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी वर्क डन नहीं शो करता है। अभी तो बताया अपन, अभी तो कर रहे हैं कि ये जो टू से वन है ये क्या कर रहा है? हीट का एडिशन है। टू से वन क्या है? हीट का एडिशन है। तो हीट का एडिशन है ये वर्क डन बाय टर्बाइन थोड़ी ना है। जो स्ट्रेट लाइंस हैं कांस्टेंट एंट्रोपी पे जो लाइंस ड्रॉ हो रही हैं इन एचएस डायग्राम के अंदर, वही हमारा क्या है? वर्क डन बाय टर्बाइन है। क्योंकि वर्क डन हम लोग ऑप्ट करते हैं किसके ऊपर? एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसके अंदर एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहे। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन, तो वर्क डन हमारा चेंज हो जाएगा, ये वर्क डन नहीं रहेगा। हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? दैट इज द वर्क डन बाय टर्बाइन इज एच नॉट माइनस एच वन प्लस S2 minus S3. This is the work done by turbine. This is the work done by turbine. ठीक है? जब तुम इधर यहाँ से equations जो हैं हमारे पास, let's suppose this is the equation 1, this is the equation 2, this is the equation number 3, this one is the equation number 4. When you are subtracting the equation number 1 minus 2, then you are also get the same value. That is the H0 minus H1 plus S2 minus S3. Okay? So we get that the efficiency of the reheat cycle is H naught minus H1 plus H2 minus H3 upon heat addition. What is the value of heat addition? That is the H naught minus HF3 plus H2 minus H1. Clear, bachche? ठीक है? डोंट क्रिएट अ मैसअप ना, कोई किसी टाइप का कोई मैसअप मत क्रिएट करो अपने माइंड के अंदर। हमेशा ध्यान रखो अगर वर्क डन की बात करें तो एकदम स्ट्रेट लाइंस, एच एस कर्व की और टी एस कर्व की जो स्ट्रेट लाइंस है, आइसेंट्रोपिक लाइंस है, वही किसको शो कर रही है? आपके वर्क डन को शो कर रही है। ठीक है? और यही इक्वेशन हम लोगों ने ना यहाँ पर स्टडी कर रहे थे कि क्या हमारे पास में रैंकिन साइकिल की वैल्यू आएगी। अगर रैंकिन होता तो वैल्यूज चेंज हो जाती, ठीक है? विदाउट रीहीटिंग होता तो क्या वैल्यू होती, वो हम लोगों को यहाँ बताया हुआ है। अगर विदाउट रीहीटिंग होता तो देखो क्या इफेक्ट पड़ता। अगर ये प्रोसेस विदाउट रीहीटिंग होता तो क्या होता कि ये प्रोसेस स्ट्रेट जाने की जगह क्या होता, सिर्फ यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता, जीरो से वन गया, वन से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता, वन से यहाँ पर आया तो उसको हमने नाम दे दिया कुछ, फोर नाम दे दो उसको, ठीक है? अगर ये विदाउट रीहीटिंग साइकिल होता तो ये टू तो जाता ही नहीं, सीधा नीचे आ जाता जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं। विदाउट रीहीटिंग मतलब कौन सा साइकिल रैंकिन, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती, वर्क डन कितना है? एच नॉट माइनस एच फोर। हीट एडिशन कितना है? हीट एडिशन हो जाता हमारे पास में एच नॉट माइनस एच एफ फोर। ठीक है? So, आगे हमारे पास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जिन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। That's all with this. समझ में आ गया सबको रीहीट साइकिल क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसी साइकिल को अगर हम लोग बोलें कि हमारा साइकिल कैसा है, प्रैक्टिकल साइकिल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल साइकिल के केस के अंदर क्या होगा? ये जीरो से वन जाने की जगह पे कुछ इसके अंदर ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर वो लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं तो देखो साइकिल क्या बन जाता है। मैं पहले वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एक्चुअल साइकिल ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको अपन प्रैक्टिकल से कंपेयर करेंगे। दिस इज द एक्चुअल के लिए बना देते हैं और यहाँ पर हम
प्रैक्टिकल के लिए बात कर लेते हैं. है कौन सा डायग्राम ये? दिस इज द एच एस कर्व, दिस इज द एच एस कर्व. इनिशियली ये हमारे पास में क्या है, किसी पोजीशन पी नॉट पर है, ठीक है, जहां पर हमारे पास में जो टेम्परेचर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, टी वन आ रहा है. और इस पी नॉट और टी वन के बाद में हमने स्टार्ट किया कहाँ से, स्टेट. देन हमारे पास में जो प्रेशर आया वो प्रेशर आया कुछ पी वन, और अगला जो प्रेशर है वो हमारे पास प्रेशर कितना है, पी टू, ठीक है. और इस केस के साथ में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जीरो से हम लोग आए कहाँ पर, पोजीशन वन पर. वन से हम लोग गए कहाँ पर, कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ में चलना है ना. वन के साथ में हम लोग गए कहाँ पर, टू तक. टू से हम लोग आए कहाँ पर, पॉइंट थ्री पर. अगर ये प्रोसेस मेरा है ना कैसा रहा, रैंक प्रैक्टिकल रहा, तो प्रैक्टिकल रहने पे क्या होता है, देखो चेंज क्या होते हैं. ये प्रोसेस जीरो से वन को फॉलो करने की जगह किसको फॉलो करेगा, ड्यू टू द लेस लॉसेस, ये आएगा कहाँ पर, जीरो से वन डैश पर. हीट एडिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे आपके बाद में. टू से थ्री की जगह जाने की जगह कहाँ पर जाएगा, ये पोजिशन पे जाएगा टू से थ्री डैश पर. तो इस केस के अंदर हमारे पास में हीट एडिशन कितना हो जाएगा, जो भी हमारी एक्चुअल प्रोसेस है इस केस के अंदर हीट एडिशन कितना हो जाएगा, भाई हीट एडिशन तो सेम ही है, एच नॉट माइनस एच एफ थ्री. एफ थ्री में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर सेम है. एफ थ्री में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर सेम है. प्लस एच टू माइनस एच वन डैश. अब पहले वन था, अब क्या हो रहा है, वन डैश हो रहा है. पहले हम कहां से स्टार्ट हो रहे थे, वन से. हम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वन डैश से स्टार्ट हो रहे हैं. और वहीं अगर हम वर्क डन बाय टर्बाइन की बात करें तो वर्क डन बाय टर्बाइन इज एच नॉट माइनस एच वन डैश प्लस एच टू माइनस एच थ्री डैश, ठीक है. और एफिशिएंसी वर्क डन बाय टर्बाइन अपॉन हीट एडिशन. बट यहाँ पर बात आती है हम लोग इस एच वन डैश की वैल्यू और इस एच थ्री डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए हमको कुछ लॉसेस दी हुई दिया हुआ होगा, स्टेज एफिशिएंसी दी हुई होगी. तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एच नॉट माइनस एच वन डैश अपॉन एच नॉट माइनस एच वन. कुछ थर्मल एफिशिएंसी दी हुई होगी, तो यहाँ से किसकी वैल्यू दे देंगे, एच वन डैश की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली हमको है ना ये एफिशिएंसी सेम रहती है हर एक स्टेज के अंदर. तो एच टू माइनस एच थ्री डैश अपॉन एच टू माइनस एच थ्री, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस एच थ्री डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है, और बाकी अपन करेंगे फिर दिवाली के बाद में. तो पढ़ते रहो, देखते रहो क्या है क्या नहीं है. ओके स्टूडेंट्स.